अरे बहू, ये कैसे झाड़ू लगा रही हो? वो देखो, वहाँ कुर्सी के पास भी कूड़ा पड़ा है और इधर कोने में भी पड़ा है। कैसे झाड़ू लगा रही हो? ठीक से लगाओ। जी माँ जी। शर्मा जी की बहू को देखो, सारा काम अपने आप करती है, कुछ भी बताना नहीं पड़ता है। कुछ सीखो बहू से, उसके जैसे बनो। जी माँ जी। बहू, कितनी देर लगेगी चाय बनाने में? माँ जी, आ रही हूँ। जी लीजिए माँ जी चाय। इतनी देर लगती है चाय बनाने में? तुमसे जल्दी तो शर्मा जी की बहू बना देती है। बहू, ये कैसी चाय बनाई है? तुमसे अच्छी तो शर्मा जी की बहू बनाती है चाय। सॉरी माँ जी, लगे मैं फिर से बना देती। नहीं, रहने दो, मैं पी लूंगी। आज खाने में क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, माजी से पूछ कर आती हूँ। माजी, आज खाने में क्या बना लूं? बहू, राजमा चावल बना लो जाके। पर माजी, मुझे तो राजमा बनाना ही नहीं आता। हे भगवान, तुम्हें राजमा बनाना नहीं आता है? शर्मा जी की बहू के देखो, सब कुछ बनाना भी आता है, सारा काम भी आता है। बहू, कुछ सीखो उससे, उसके जैसी बनो। जी मम्मी जी। मेरा कोई काम सातू माँ को अच्छा नहीं लगता। क्या करूं, क्या करूं? लगता है शर्मा आंटी के बहू से ही मिलना पड़ेगा। बहू, अरे ओ बहू, बहू ये तो सुन ही नहीं रही है। यहाँ पे भी नहीं है। अरे, ये तो किचन में भी नहीं है, कहाँ चली गई है? ये महारानी पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए, अभी तक नहीं आई। कितनी देर हो गई है? बहू, कहाँ गई थी बिना बताए? माँ जी, आप ही तो बोलती हो शर्मा जी की बहू से कुछ सीखो, शर्मा जी की बहू से कुछ सीखो, इसीलिए मैं उससे मिलने गई थी। ठीक है ठीक है, लेकिन अगली बार कहीं जाना तो मुझसे पूछ के जाना। ठीक है माँ जी। बहू, मेरे कपड़े धुल दिए? नहीं माँ जी। क्यों? क्योंकि माँ जी, जो शर्मा जी की बहू है ना, वो अपने सास के कपड़े नहीं धुलती, बल्कि वो अपने कपड़े अपनी सास से धुलवाती है। रुको माँ जी, मैं अपने कपड़े लेकर आती हूँ। जब आप अपने कपड़े धुलना तो मेरे भी धुल देना। अरे, सुबह इसमें मैंने 10,000 रुपए रखे थे और इसमें तो एक भी पैसा नहीं है। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। क्या हुआ माँ जी? बहू, इसमें मैंने सुबह 10,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए? ओ सॉरी मम्मी जी, मैं आपको बताना भूल गई थी। मैंने आपके पर्स से पैसे निकाले थे। जो शर्मा जी की बहू है ना, वो हर संडे को ब्यूटी पार्लर जाती है, इसीलिए मैं भी उसके साथ गई थी।
हाँ तो बहू 10,000 रुपए लेके गई थी ना, उस तो बचे ही होंगे, वापस करो। नहीं माँ जी, एक भी रुपए नहीं बचे, मैंने तो सिर्फ 10,000 रुपए खर्च किए थे, इतने आपके पर्स में मुझे मिले थे। और शर्मा जी की बहू है ना, वो हर बार 20,000 रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्च करती है। हे भगवान। अरे बहू, तुम आराम से बैठ के फोन चला रहे हो, खाना बन गया क्या? नहीं माँ जी, मैंने आज खाना नहीं बनाया। जो शर्मा जी की बहू है ना, वो हर संडे को खाना नहीं बनाती, वो होटल से मंगवाती है, इसीलिए मैंने भी ऑर्डर कर दिया। आता ही होगा, रस्ते में होगा। अच्छा बहू, और पैसे? माँ जी, आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके फोन से ऑर्डर किया है, मैंने आपके अकाउंट से पैसे कटवा दिए। क्या? हाँ माँ जी। दो मेरा फोन, आज के बाद छू मत लेना। अरे बहू, इतने टाइम कौन आया होगा? माँ जी, मैंने फोन ऑर्डर किया था, वही आया होगा। जाइए माँ जी, ले आइए। ठीक है बहू। और माँ जी पैसे भी दे देना। अच्छा बहू, कितने का है? माँ जी ज्यादा का नहीं, बस 1.5 लाख का है। क्या, 1.5 लाख का फोन? माँ जी, ओ माँ जी, लगता है माँ जी सो गई। माँ जी, अरे ओ माँ जी, अब पैसे कौन देगा? आइया माँ जी की तिजोरी से ले लेती हूँ। बहू, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, जाओ बना लो जाके। माँ जी, आपको शर्मा जी की बहू के हाथ की चाय बहुत पसंद है ना? हाँ बहू। हाँ तो माँ जी जाइए, उसी से बनवा के पी लीजिए। बहू मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी किसी और की तरह बनो, तुम जैसी हो वैसे ही ठीक हो, प्लीज वैसे ही रहो। माँ जी, अब आपको समझ आया, जो जैसा है वो वैसा ही ठीक है, और हमें किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। हाँ बहू, मुझे समझ आ गया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा हुआ माँ जी, आपको जल्दी समझ आ गया। हाँ बहू। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए एक कप चाय बना कर लाती हूँ। सच में दोस्तों, खुद को कभी किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। प्लीज इतनी मेहनत के लिए एक लाइक एक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।